And hello friend, I am Rish Subnas and you watching Wrestle Takedown. आज हम बात करेंगे आज हुई SmackDown के बारे में और Romans ने क्या रिवील किया tonight. शो की शुरुआत रोंडा राजी की एंट्रेंस से होती है और वो रेसलमेनिया के अपने मैच के बारे में बात करती हैं और वो एक आई क्विट मैच डिमांड करती हैं फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप एट द रेसलमेनिया बैकलैश. इतने में स्मैकडाउन के स्क्रीन पे चार्लेट प्रे हंसती हुई आती हैं और वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं उसके ऊपर. आगे देखते हैं रोंडा रोजी का और सॉलिड फ्लेयर का क्या होता है, अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया है. स्मैकडाउन पर पहला हमें मैच देखने को मिलता है जेवियर वुड्स वर्सेस बच, और जिसमें जेवियर वुड्स ने बच को हरा दिया और उसके बाद बच ने अपने ही पार्टनर रिज हॉलैंड को अटैक कर दिया और तब जाके सेमस ने उन्हें हटाया. इस स्मैकडाउन में हमें सैड कॉर्बिन देखने को मिले और वो रेसलमेनिया की हार का पूरा जिम्मेदार अपने पार्टनर मैट कैप को बोल रहे थे और इसके भी उन्होंने उन पर अटैक कर दिया, जिसके जवाब में मैट कैप ने भी उन्हें उन पर अटैक किया और रिंग के बाहर फेंक दिया. अब आगे स्मैकडाउन में देखते हैं क्या होता है इन दोनों के बीच, मजेदार किस्सा और देखने को मिलेंगे हमें. और अगली मैच होती है ली मॉर्गन वर्सेस साशा बैंक्स, जिसमें ली मॉर्गन ने साशा बैंक्स को हरा दिया और अगली मंडे नाइट रॉ में रिया रिपली और ली मॉर्गन सामना करेंगे नयोमी और साशा बैंक्स का स्मैकडाउन वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए. और फिर हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सैमी जेन देखने को मिलते हैं, जिसमें सैमी जेन डर के बार बार हार जब भाग जा रहे थे और लास्ट में हार भाग के काउंट आउट से जीत चुके थे ड्रू मैकइंटायर. नेक्स्ट वीक फिर से ये रीमैच होने वाला है, अब आगे देखते हैं क्या होता है. सबरी से इंतज़ार था कि रोमन्स क्या रिवील करते हैं. उन्होंने शो को कहा कि वो भी डबल चैम्पियन बन जाए रॉक चैम्पियंस. इसने बीच सिंस के नाकामुरा आते हैं और वो कुछ कहते हैं चाहते हैं, लेकिन उससे पहले रोमन से रोक के और उन्हें बोलते हैं आओ मैं तुम्हें ब्लड लाइन में ज्वाइन कराता हूँ. उसके बाद उस दोनों ने उन पर अटैक कर दिया और अगली मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस और उसोज रॉ टैग टीम चैम्पियनशिप ले आते. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग and kindly subscribe to my channel and click on the bell icon and thank you.